brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. धार जिले धार संसदीय क्षेत्र के तारापुर मतदान केंद्र पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने वोट डाला है। हम जानना चाहेंगे कि सावित्री ठाकुर जी ने अपने स्वयं को वोट डाला है दूसरी बार, पहले जो है सांसद रह चुके हैं और दूसरी बार स्वयं वोट डाला है। बताएं कि आप दूसरी बार वोट डाला है, अपने आप को क्या फील किया आपने? फील क्या हम तो देश और राष्ट्र के प्रति बड़ा, हमको ये लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छी जगह जाओ, और सभी लोगों से भी, मैंने खुद प्रत्याशी हूँ, सभी लोग से यही अपील करेंगे कि इस बार राष्ट्र और देश हित में वोट करें। क्या लगता है किन मुद्दों से मुद्दों को ले गई थी आप चुनाव में, उन मुद्दे आपको लगता है कि जनता ने स्वीकार किए हुए? क्यों नहीं कर रहे हैं आप देख रहे हैं, जो 10 साल की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 से लगा के लगातार, जो आजादी के 18 साल के बाद भी आज तक ऐसा 18,000 जो गांव थे वहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उन्होंने 18,000 गांव में बिजली पहुंची। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। आज आप देख रहे हो प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला योजना हो या किसान सम्मान निधि है, जनधन खाते खुलवाने के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। जो पहले होता था जैसे इंदिरा आवास देते थे तो यहाँ से कोई अगला दूसरे का नाम चेंज हो जाता, आज क्या है सीधे सीधे दिल्ली से फिर हितग्राही के खाते में आने लगे हैं। तो लोगों में मोदी जी के प्रति एक बड़ा उनको भावना है कि नहीं यार मोदी जी ईमानदार है और देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसे होना चाहिए। कितने वोटों से जीतने की आपको अपेक्षा है? हम तो दावा 5 लाख का भी कर रहे हैं, बाकी ये वोटिंग के ऊपर है, वोट लोग कितने कर पाते हैं। पर आज मैं देख रही हूँ इंद्रदेव की भी कृपा है, भर गर्मी में बारिश हुई है, आज सोमवार है, शिव भगवान का आज दिन भी है, तो मौसम भी साथ दे रहा है। मेरे हिसाब से अच्छा मतदान होगा और अच्छे मतों से विजय होगी। ठीक है, आपकी सभी ठाकुर जी बड़ी आश्वस्त है, आपने दावा किया है कि मैं कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा। छोटू शास्त्री, MP तक धार।